सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड टू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वही डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग फंसे हुए होते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ से नहीं बचेंगे। जिसके बाद हम मिस्टर सोंग को देखते हैं जो कि संग जिनवो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि इतने अच्छा प्रिडिक्ट किया जिसकी वजह से हमारी जान बच गई। पर वहाँ पर हम देखते हैं जूही को देखते हैं, वो काफी डरी हुई होती है। मिस्टर सोंग थे वो जिनवो से कह रहे होते हैं कि ये जो बीस्ट है ये एस या फिर ए रैंक के लेवल के हैं और साथ ही वो वहाँ पर लिखी हुई कमांड्स पर भी ध्यान देने के लिए कहते हैं। जहाँ पर जो जिनवो वो कह रहा होता है कि जो ये सबसे बड़े स्टैचू शायद यही गॉड है। अगले सीन में हम देखते हैं जिनवो की सिस्टर को जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड पूछ रही होती है उसका ब्रदर तो एक हंटर है ना, जहाँ पर जिनवो की सिस्टर से बता रही होती है कि हाँ वो ई रैंक में है। उसे हमेशा ही चोट लगी हुई होती है और वो बैंडेज लगाकर घूमता रहता है। जिसके बाद सीन हमें दोबारा डेंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक हंटर को देखते हैं जिसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वो वहां से जाना चाहता था और वो साथ ही कहता है कि उसकी इतनी स्पीड तो है वो गेट तक जा सकता है। और जैसे वो हंटर भागता है उसके वहीं चीते उड़ जाते हैं क्योंकि गोड उससे ज्यादा पावरफुल था वहां पर। और जहाँ पर वो सारे सोच रहे होते हैं कि गोड इनसे ज्यादा पावरफुल है और वो उन्हें पलक झपकते ही मार सकता है, पर अभी तक वो बचे हुए हैं, उसका कोई ना कोई रीजन है। फिर जिनवो को याद आता है इंस्ट्रक्शंस के बारे में, वो सोचने लगता है पहला कमांड क्या था। जहाँ पर उसे पता चलता है पहला कमांड था कि गॉड की पूजा करनी है। जिसके बाद जो जिनवो रहता है वो खड़े होने की कोशिश करता है, पर जो गॉड थे वो उसे दोबारा वहां पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जिनवो तुरंत बैठ जाता है। जहाँ पर जिनवो को पता चल जाता है कि वो एक लेवल से ऊपर नहीं उठ सकते वरना वो मारे जाएंगे। जिसके बाद वो सारे जब बैठ जाते हैं तो वहां पर पहली कमांड कंप्लीट हो जाती है यानी गॉड की पूजा करना, और जिसके बाद वो सभी खड़े हो सकते हैं क्योंकि पहली कमांड कंप्लीट हो चुकी थी। जिसके बाद जो वो गॉड था वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेता और वहां से खड़ा हो जाता है अपनी सीट पे से। और फिर हम दूसरी कमांड को देखते हैं जिसमें लिखा था कि गॉड की प्रशंसा करना, और फिर उनमें से एक हंटर सामने आता है और वो कहता है कि उसे पता है प्रेयर कैसे करी जाती है, और वो वहां पर गॉड के सामने चला जाता है और उसकी प्रशंसा करने लगता है। पर जो गॉड था वो उसे कुचल देता है, वो सारे इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद बाकी सब लोग भी वहां पर भाग रहे होते हैं और जो जिंगवो रहता है वो वहां पर सोच रहा होता है वो सब क्या करना चाहिए, और वो वहां पर सारे स्टैचूज को देखने लगता है और वहां पर उसे कुछ म्यूजिकल स्टैचू दिखते हैं। जिसके वो सबसे कहता है कि वो सारे उनके पास जाकर खड़े हो जाएं। जो बाकी सभी लोग थे वो उन स्टैचूज के पास खड़े हो जाते हैं, पर जो संघ था वो भाग ही रहा होता है और जो गोड थे वो उसके पीछे ही थे। पर जो संघ था वो फाइनली एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है और उससे जो दूसरी कमांड थी वो भी कंप्लीट हो जाती है और वो फिर उस स्टैचू से वहां पर हिल सकते हैं, और जो गोड थे वो दोबारा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इस चक्कर में जो संघ था उसका पैर भी वहां पर कट चुका होता है, तो जूही उसे हील करने लगती है, पर जूही अपनी सारी पावर लगा देती है और उसके भी आंख कान से खून निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसमें से जो एक हंटर रहता है वो वहां पर मिस्टर सोंग को दोस्ती बता रहा होता है कि उनकी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं। जिसके बाद हम एक ऑर्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बीचों बीच बन जाता है, और वहाँ पर जो एक हंटर था वो मिस्टर सोंग से ही कहने लगता है, लगता है आखिरी कमांड में कुर्बानी देनी होगी किसी की, और इसलिए वो मिस्टर सोंग को जाने के लिए कहता है और मिस्टर सोंग भी चले जाते किसी से बहस किए बिना। फिर जो संघ था वो भी दो लोगों की हेल्प से उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर संघ समझ जाता है कि सबको यहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा इस आखिरी कमांड को कंप्लीट करने के लिए। और जहाँ पर जो संघ था वो मिस्टर सोंग से पूछने लगता है कि क्या कोई आएगा हमें बचाने के लिए, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ 7 दिन हो चुके हैं और ज्यादा टाइम बीता तो ये डंजन ब्रेक हो जाएगी और जितने भी मॉन्स्टर है वो बाहर निकल जाएंगे, हो सकता है कोई बचाना है। दूसरी तरफ हम संघ की सिस्टर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आती है अपनी मॉम से मिलने के लिए और उन्हें सारी अपडेट्स देती है, जहाँ पर वो अपने पेपर के बारे में बता रही होती है, पर उसकी मदर वहाँ पर सो रही होती है तो वो सुन नहीं पाती। उसके दूसरी तरफ हम वहाँ पर संघ को देखते हैं और बाकी सब लोगों को भी देखते हैं जो कि उस घेरे के अंदर आ जाते हैं और वहां पर फ्लेम्स जलने लगती हैं चारों तरफ। और जब सभी उसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो एक और ब्लू कलर की फ्लेम्स उनके चारों ओर जलने लग जाती है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि अब क्या करना है। जिसके बाद हम कुछ स्टैचूज को देखते हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर जो संघ था वो सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जहां पर वो उनसे कहता है कि उन्हें सिर्फ उन स्टैचूज की तरफ देखना होगा तभी वो रुक सकते हैं, और ऐसा होता भी है। पर वहां पर संघ सोच रहा होता है कि अब आगे क्या, जिसमें हम देखते हैं कि वहां पर गेट भी खुल जाते हैं बाहर जाने के लिए, जिसमें से एक हंटर बाहर निकल भी जाती है। और पर वहां पर हम देखते हैं जो ब्लू फ्लेम्स थी वो कम हो रही होती हैं, और उसे देखकर वहां पर संघ को समझ में आ जाता है कि जो ये ब्लू फ्लेम्स है ये टाइम लिमिट है, और जो ये येलो फ्लेम्स हैं ये मेंबर्स को दर्शाती है कि इस घेरे के अंदर कितने बचे हैं। जिसके बाद में एक और एंटर को देखते हैं, वो भी वहां से निकल जाता है उस गेट से। जिसके बाद जो संघ रहता है वो कहने लगता है हमें बस इस टाइम लिमिट को खत्म करना होगा, यानी ये जब तक ब्लू फ्लेम्स खत्म नहीं हो जाती। पर वहां पर मिस्टर सोंग कहने लगते हैं कि अगर ये खत्म हो गई तो हो सकता है गेट भी बंद हो जाए। और फिर हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि संघ से कहने लगता है कि अभी तक तुमने हमें यहाँ पर जिंदा रखा है, पर मेरी एक फैमिली और मुझे उसके पास जाना होगा। जिसके बाद जो किम था वो भी वहां से भाग जाता है और अंदर सिर्फ मिस्टर सोंग और जिनवो और जूही बचे होते हैं। जिसके बाद जो जूही थी उसकी हालत नहीं थी बाहर जाने की, और इसलिए जो संघ था वो वहां पर मिस्टर सोंग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। और जिसके बाद मिस्टर सोंग जूही को लेकर वहां से चले जाते हैं और वर्फ सिर्फ वहां पर संघ जिनवो ही बचा था जो कि वहां पर अकेला था, और सारे स्टैचूज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहां पर जो संघ था वो लड़ने के लिए वहां पर तैयार होता है। जिसके बाद जो सारे स्टैचू थे वो वहां पर संघ की बुरी हालत कर देते हैं और वो मरने की हालत में हो जाता है, साथ ही उसका हाथ भी कट जाता है और वो एक टेबल के ऊपर आकर गिर जाता है।
जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसकी भी फैमिली और उसे भी उसके पास जीना है, काश वो कुछ और जी पाता। और जहाँ पर हम एक लास्ट स्टैचू को देखते हैं जो कि वहाँ पर जिनवो को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कि ब्लू फ्लेम्स के खत्म होने के बाद आता है। और वो एक सीक्रेट क्विस्ट होता है कमजोर बंदे को प्लेयर बनने का, और कुछ सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है कि वो एक प्लेयर के तौर पर खेलना चाहता है या नहीं। पर अगर वो नौ करेगा तो 0.02 सेकंड में उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। पर वहाँ पर हमें स्क्रीन में शो होता है यस, यानी जिनवो ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है। और इसके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो, नई एनिमे, फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।